हेलो दोस्तों, आदाब अर्ज़ है, सलाम अलैकुम। दोस्तों आज जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो बटरफ्लाई कंपनी की ऑटोमेटिक सीविंग मशीन के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो बटरफ्लाई है ये कंपनी चाइना की है जो ऑटोमेटिक सिलाई मशीन पूरा रेंज में बनाती है, वो चाहे घरेलू हो चाहे कंप्यूटराइज हो, A to Z हर तरह की ऑटोमेटिक सीविंग मशीन बनाते हैं। फ्रेंड्स, ये बटरफ्लाई कंपनी का सबसे बेसिक मॉडल की मशीन है। इसमें आप देखेंगे मॉडल JHQ 3010, ये एकदम बेस मॉडल है। फ्रेंड, इसका मेज़रमेंट मशीन का वज़न 6 किलो है नेट नेट, और कार्टून के साथ पूरा लेकर के 7 kg है। मेड इन चाइना लिखा रहेगा इसके ऊपर। आपका येलो कलर की ये मशीन है। फ्रेंड, इसमें दो कलर आते हैं, एक येलो आता है एक ग्रे भी आता है, तो हम लोग येलो वाली मशीन मंगाए हुए हैं, इसी की अनबॉक्सिंग करते हैं। निकालिए मशीन। ऑटोमेटिक सीविंग मशीन में फ्रेंड्स उषा की, सिंगर की, और ये तो ब्रांडेड कंपनियां हैं उषा और सिंगर जो हर जगह बिकती हैं। बाकी चाइनीज़ में और बहुत नाम से मशीनें आती हैं जिसमें एक बटरफ्लाई भी है। ये मशीन का कवर दिया हुआ है, ये ऑपरेट इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, इसका रेगुलेटर है। रेगुलेटर इसी तरह है जैसे और सब मशीनों में आता है। उषा में आपको प्लस पॉइंट ये मिलता है ऑटोमेटिक में सीविंग मशीन में कि उनकी डेमो भी फ्री होता है और उनका 2 साल का होम सर्विस भी होता है। पर आपको बटरफ्लाई मशीन के अंदर कोई कंपनी की तरफ से डेमो या होम सर्विस नहीं मिलना है। फ्रेंड, जहाँ से आप ये मशीन ख़रीदेंगे कोई दिक्कत आने पे उन्हीं दुकानदार के पास आपको जाना होगा और उनसे सर्विस लेना होगा। मशीनें ऐसे ये सब बहुत कम बिगड़ती हैं, काफ़ी अच्छी चलती हैं, पर ये घरेलू मशीन होती है, इससे आप कमर्शियल के लिए बिल्कुल ना सोचें। ये सब कमर्शियल मशीन नहीं होती है, घर के काम के लिए ये मशीनें होती हैं, इसीलिए आप देखेंगे कार्टन पे लिखा होगा हाउस होल्ड सीविंग मशीन। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। फ्रेंड, ये तीनों आपका सिलाई का है, ये जिगजैग के टाके हैं, यहाँ तक ये भी जिगजैग का टाका है, ये थोड़ा सा इंटरलॉक के जैसे टाके तीन दिए हुए हैं कपड़े के किनारे रख के चलाने के लिए। और जिस चीज़ पे आप इसको घुमाएंगे, बी पे अगर घुमाएंगे तो बी वाली डिज़ाइन बनेगी, सी पे करेंगे तो सी वाली डिज़ाइन बनेगी, ये नीचे तक FGHIJ तक दिया है, तो जहाँ आप इसको ले जाएंगे वहाँ तक ये जाएगी, ये यहाँ तक आके स्टॉप हो जाएंगे, ये इधर से जाते हैं, ये H वाले पे आ जाइए, I वाले पे आ जाइए। और इसके अंदर काज का फंक्शन दिया हुआ है, 3 स्टेप में काज बनेगा आपका। और ज़रा इसका क्या क्या इसमें है ज़रा से इसको खोल दीजिए। निकाल दीजिए सब चीज़ बाहर, रख दीजिए। देखिए फ्रेंड, ये आपका काज वाला हो गया, ये ऑयलिंग के लिए हो गया, ये निडल थ्रेडर है, इसको आप सुई के, ये सुई के छेद में इसका पॉइंट अंदर डाल करके फिर आप इसमें धागा डाल के बाहर खींच लेते हैं, तो ये निडल थ्रेडर हुआ। ये ब्लेड होगा काज करने के बाद काटने के लिए, इससे आप काज बना लेंगे और फिर ये काज को बीच से कट करेंगे कपड़े को। ये जीपर फूट है और ये एक तरह से पेचकस है, इससे आप निडल वगैरह यहाँ की इसको खोलने के लिए निडल चेंज करना हुआ तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये निडल है बॉबिन है, इसमें इन्होंने पीको का फूट नहीं दिया हुआ है, जबकि इन्होंने सब कुछ दिया है, जीपर फूट ना देते लेकिन पीको का फूट तो बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, तो आपको जो है पीको का फूट आपको ऐसा, ये इस टाइप का पीको का फूट जब भी आप मशीन ख़रीदें दुकानदार से उसी वक्त कह के ले लीजिए, क्योंकि ये मशीन में पीको का फंक्शन है पर पीको का फूट नहीं मिल रहा है आपको,
और जो भी ये मशीन ख़रीदता है फ्रेंड वो पीको ज़रूर करेगा। तो जिगजैग का सिलाई का जो भी एक तरह के कढ़ाई के डिज़ाइन दिए हैं सब तो इसमें बन जाएंगे, और पीको फूट आपको अलग से ऐसा लेना होगा कि आपको 100-150 रुपये में मिल जाएगा फ्रेंड। अगर आप ऑनलाइन ये मशीन मंगाएंगे तो फिर आपको ऑनलाइन इस टाइप का पीको का फूट मंगाना पड़ेगा। शॉप से लीजिएगा तो उसी वक्त दुकानदार से कह के एक फूट एक्स्ट्रा ले लीजिए। ठीक है, मशीन थोड़ा हम लोग आपको चला के दिखा देते हैं। इसमें आपका एकदम मैनुअल, इसको हटा दीजिए, ये सब हटा दीजिए, इसमें आपका सब एकदम मैनुअल दिया हुआ है। ये वाला आपका जैसे सिलाई मशीन में होता है हाफ राउंड शटल की मशीन, और धागा वगैरह फंस गया तो आप इसको खोल के ये सब सफाई कर सकते हैं। मशीन ये काफ़ी मज़बूत है आपका फ्रेंड। अंदर से जितने पार्ट होते हैं सब मेटल के ही होते हैं। यह बॉडी जो प्लास्टिक की होती है सिर्फ मशीन को कवर की होती है, ये पूरा बॉडी अंदर से एल्युमिनियम होता है, इसीलिए मशीन हल्की होती है। और जो भी पार्ट्स इस पर कटे होते हैं सब मेटल होते हैं, स्टील के, आयरन के, कास्ट आयरन के। तो कभी धागा फंस भी गया आप इसी तरह खोल लीजिए और फिर इन सामान को लगा लीजिए, लगा दीजिए फिर चलाते हैं। ये सब आप देख रहे हैं, ये सिलाई के टाके, ज़िगज़ैग के टाके, थोड़ा चेक करके भेजा हुआ है। आपको शटल रख करके इसका लॉक ऊपर से लगा के फिर आखिरी में बॉबिंग केस लगा देना है। चलाना बहुत आसान होती है मशीन फ्रेंड, और मशीन चलती भी बहुत अच्छी है। प्राइस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर खोल के देखें। प्राइस मैं वीडियो में इसलिए नहीं बताता हूँ फ्रेंड कि वक्त के हिसाब से प्राइसेस में बहुत बदलाव हो जाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में तो मैं बाद में प्राइसेस में एडिट करके उसको बढ़ा के लिख दूँगा, वीडियो में रहेगा तो फिर चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के देखा करिए फ्रेंड। धागा आपको उस पर सही से डालना आना चाहिए। जब भी ये मशीन ख़रीदें एक बार वहाँ डेमो ज़रूर ले लें, जहाँ भी शॉप से आप ले रहे हो वहाँ पे एक बार चला के खुद से देख लीजिए, हो सकता है एक आध बार आपको और जाना पड़े सीखने के लिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती। एक बार आपको आइडिया हो गया सब चीज़ चलाने का तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें निडिल के जो होल होते हैं वो सामने होते हैं, इसीलिए आपको जो है धागे सामने से डालने होते हैं, जितनी भी एम्ब्रॉयडरी मशीन होती हैं। ये आपका देखिए साइड वाली डिज़ाइन है, आई वाली डिज़ाइन है, ठीक है, जे वाली भी थोड़ा चला दीजिए। सिर्फ आपको यहाँ से पलट के जे पे कर देना है फ्रेंड। स्पीड भी अच्छी दिया है मशीन में, जितना आपको घर के लिए ज़रूरत है इतनी स्पीड दिया हुआ, जिसको कपड़े के किनारे आप रख के चलाएंगे तो काफ़ी खूबसूरत टाका आता है। और ज़िगज़ैग चला दीजिए ई वाला, देखिए ये ई कैसे करेंगे आपको दिखा देते हैं। बस ये ई पे आपने कर दिया यहाँ से, देखिए ये ज़िगज़ैग चला। रेगुलेटर में भी आप धीरा तेज चला सकते हैं, देखिए ये धीरा चल रहा है, थोड़ा तेज दबाएंगे थोड़ा तेज चलने लगेगा। स्पीड बढ़िया दिया है मशीन के हिसाब से, स्पीड बहुत अच्छी है। बस सीधी सिलाई करके दिखा दीजिए, छोटा सिलाई पहले दिखा दीजिए हम लोग को,
देखिए ए पे चलाएंगे फ्रेंड तो थोड़ा छोटा टाका चलेगा, थोड़ा धागा ढीला कर दीजिए, बहुत छोटा है ए वाला टाका तो बहुत ज़्यादा छोटा है। यहाँ से टेंशन ढीला टाइट आपका यहाँ से होगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा ढीला कर दीजिए टेंशन ज़्यादा टाइट। टाका थोड़ा सा बड़ा कर दिया, टाका बहुत छोटा है, ए नंबर का आपका टाका तो बहुत छोटा है फ्रेंड, बी नंबर पे ही आप चलाएं। देखिए ये बी नंबर का टाका मीडियम है और सी वाले पे हम लोग चला के आपको दिखा देते हैं। सी टाका आपका लंबा एकदम रहेगा, देखिए ये सी वाला आपका लंबा टाका रहेगा, ये बी वाला टाका आपका मीडियम टाका है जो आप घर में यूज़ करेंगे, और सी वाला थोड़ा ज़्यादा लंबा रहेगा, और ए वाला तो बहुत छोटा है, इसको तो चलाने का कोई मतलब ही नहीं, बहुत बारीक है। ज़्यादा टेंशन यहाँ से अगर आपका टाइट रहेगा तो धागा टूट गया तो थोड़ा सा आप ढीला कर दीजिए, ढीला करने के लिए जैसे चार पे है तो ढीला करना है तो तीन नंबर पर आना पड़ेगा ना, ठीक है। अगर ज़्यादा आपका टेंशन टाइट है चार पे चल रहा है तो उसको थोड़ा सा ढीला करके तीन पे आप कर लीजिए, यहाँ से रिवर्स मारा जाता है। हाँ एक रिवर्स चला दीजिए फिर पीको करके दिखा दिया जाए, रिवर्स का भी बहुत अच्छा रहता है, इससे टाका आपका एकदम पक्का हो जाएगा फिर। अब ये मशीन चल रही है, आप ऐसे ऐसे रिवर्स कर दीजिए, अब ये टाका आपका एकदम मजबूत हो जाता है, वहाँ जैसे अम्ब्रेला मशीनों में चलाते चलाते रिवर्स करते हैं वैसे। यहाँ पे ये टाका रिवर्स कर दिया तो एकदम मजबूत हो जाएगा, घर के लिए बहुत अच्छी मशीन है फ्रेंड, कम रेट में ये मशीन आपको अच्छी मशीन मिल जानी है, बाकी ब्रांड में आप चाहें तो फिर उषा की लीजिए, उषा जेनोम वगैरह वो आपकी मर्जी है। पीको का चापा, ये तो चापा आपका लगा ही हुआ, पीको का आपको करना है तो बस आसानी से ये निकल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेड दिया, आप ऐसे खींचेंगे कट जाएगा, ये आपका बैठ जाएगा पीको का चापा, आप देखिए ये पीको का चापा लग गया, दूसरा कपड़ा ले लें, रुपये मंगा रहे हैं, हाँ थोड़ा सा कपड़ा दे दीजिए बबलू, बारीक कपड़ा दे दीजिए पीको के लिए, आपको पीको भी करके दिखाई देते हैं इसी वक्त। ये कवर है, आप मशीन से अपना ढाक सकते हैं, पतला सा कवर है, मशीन को आप कवर कर सकते हैं। चौड़ाई आप सेट कर लीजिए, जितने ज़्यादा आपको चौड़ा चाहिए, रेगुलेटर हम दे पकड़ दबा दें, दबा लेंगे अच्छा, रेगुलेटर को आप पैर के पास रख लीजिए ताकि आपका दोनों हाथ फ्री रहे, पीको के लिए ज़रूरी है कि आपका दोनों हाथ फ्री रहना ज़रूरी है, पीको के लिए दोनों हाथ फ्री होना चाहिए फ्रेंड्स, और आपको एकदम सही डायरेक्शन में पीछे से कपड़े को हल्का सा खींचना है और आगे वाले कपड़े को एकदम उसके मुंह में आसानी से चला जाए उसी हिसाब से रखना है।
ये कपड़ा आगे वाला आपका फ्रेंड जो है, ये आगे वाला, ये पीको के जो पीको का चापा का मुंह है आगे का, जहाँ वो गोल कर रहा है एकदम उसी में जाना चाहिए। जितना अच्छे से जाएगा इतना अच्छा पीको आएगा। पहली पहली बार करेंगे अगर आप, थोड़ा सा आपका हाथ का डायरेक्शन सही नहीं बनेगा तो पीको भी अच्छा नहीं बनेगा। ये देखिए बता दीजिएगा जी होगा। अच्छा, ये पीको के लिए जो है एफ वाला टाका एकदम सही है, ये एकदम गोल पीको हुआ है आपको। सिर्फ ये आपकी कारीगरी है, जितने अच्छे से आप इसको पीछे से खींचेंगे, जितना अच्छे से आगे कपड़े को अंदर जाने देंगे इतना अच्छा होगा। थोड़ा पीछे भी मशीन का लुक दिखा दीजिए हम लोग को। ये देखिए, ये इस मशीन का पीछे का लुक है, ये आपका चापा उठाना गिराने वाला है। इसका मॉडल का नंबर लिखा हुआ है, ये जो कंपनी बनाती है बटरफ्लाई कंपनी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड शंघाई, और ये इसका सीरियल नंबर 4900 करके जो लिखा हुआ है। 75 वाट आपका ये मोटर है फ्रेंड, 75 वाट की इसमें लगी हुई है। मोटर ख़राब होती है तो जो मोटर बाहर से अंदर से लगाई जाती है 75 वाट की आपको लगाना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। आपको ये मशीन अपने एरिया में मिले तो वहाँ जाके ये मशीन को ज़रूर देखें, अच्छी मशीन है, कम रेट में अच्छी मशीन है। प्राइस डिस्क्रिप्शन में आप चेक करिएगा। मैं वीडियो को अब कंप्लीट कर रहा हूँ, शुक्रिया।